गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द समीर पटेल पब्लिक स्कूल। जैसा कि तुम सब जानते ही हो कि तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस कब से काफ़ी टाइम से स्टार्ट हो चुकी हैं और तुम्हारी एक एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो चुकी है, एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज से तुम्हारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। ये न्यू चैप्टर उस चैप्टर से काफ़ी ईजी है। उस चैप्टर में भी कुछ खास नहीं था, बट ये और भी ज़्यादा ईजी है। इस चैप्टर में देखो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ये तुम्हारे लिए नया है। सर बोलोगे कि सर ये लीनियर इक्वेशन क्या है और वन वेरिएबल क्या है। ठीक, तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको ये बता दूं कि वेरिएबल होते क्या हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, ए एक्स वाई जेड, ए से लेके जेड तक में जितने भी वर्ड आते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, सारे क्या हैं, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ए बी सी डी। समझ गए, समझे? ओके चलो, वेरिएबल में क्या आते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, जितने भी मतलब एक्स वाई जेड जो भी आता है सब क्या है तुम्हारे, वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि लीनियर इक्वेशन मतलब जिसमें से सिर्फ एक इक्वेशन हो, इसमें से एक ही वेरिएबल हो। अब जैसे मैं बताता हूं, वन वेरिएबल, वन वेरिएबल का मतलब होता है, अब देखो वेरिएबल तुमने जान लिया ए बी सी डी जो होती है, वन वेरिएबल क्या होगा जिसमें सिर्फ एक ही ए बी सी डी में से कोई भी एक ही वर्ड हो। जैसे को पहला देखो 3x, इसमें एक ही वेरिएबल है एक्स, इसके अलावा एक्स के अलावा कोई है नहीं। दूसरा देखो 7y, इसमें वाई के अलावा कुछ है, 7 है, लेकिन क्या 7 वेरिएबल है? 7 वेरिएबल नहीं है, 7 नंबर है। वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी। तो यहाँ पे देखो एक ही वेरिएबल है 7x+5, इसमें कितने वेरिएबल हैं, इसमें भी एक वेरिएबल है। तो जो वन वेरिएबल होते हैं वही लीनियर इक्वेशन होती है। इसमें देखो इसमें कितने वन वेरिएबल हैं, तो ये भी लीनियर इक्वेशन होगी। इसमें भी वन वेरिएबल हैं, तो ये भी लीनियर इक्वेशन होगी। इसमें भी वन वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल ऐसे होते हैं जैसे 7x+y। अब बताओ इसमें कितने वेरिएबल हैं, x और y, इसमें दो वेरिएबल हो गए, तो क्या लीनियर इक्वेशन है? नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। जैसे मैं बोलूं 5x+3, इसमें कितने वेरिएबल हैं, इसमें एक वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? है, समझ गए? तो अभी देखो, अब तुम्हारा वेरिएबल समझ में आ गया, वन वेरिएबल समझ में आ गया और लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया। अगर ये चीज समझ में आ गया तो अब इस एक्सरसाइज को देखना, बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, कि इन इक्वेशन को तुम कैसे सॉल्व करोगे। ठीक, चलो इधर देखो, पहला क्वेश्चन तुम्हारा बोल रहा है x-2=7, ये दे रखा है। अब हमको इसमें क्या करना है, एक्स को अपन को फ्री करना है, यानी कि एक्स को अकेला छोड़ना, बाकी सबको हटाना है। मैंने लास्ट ईयर के साथ तुम लोगों को यह बता दिया था, x-2=7 में x को छोड़ना है, बाकी सब हटाना है। तो इसके लिए क्या करोगे कि दोनों साइड दो ऐड कर दो, क्योंकि दो किस में दे रखा है, माइनस। अब अच्छा एक चीज और जान लो, अगर कोई संख्या माइनस में है तो हम वही चीज प्लस करते हैं, अगर प्लस में है तो वही चीज माइनस करते हैं, अगर इनटू में है तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड में तो इनटू करते हैं, यानी मल्टीप्लाइड करते हैं। ठीक, तो देखो एक्स किस में है, टू किस में, माइनस में है, तो हम दो प्लस कर देंगे। अगर देखो माइनस का दो है, अगर आप प्लस दो कर दोगे तो दोनों कट जाएगा, एक्स अकेला बच जाएगा। तो इधर देखो एड टू एट द बोथ साइड, लेकिन याद रहे जो चीज तुम ऐड करोगे वो दोनों साइड ऐड करोगे, बोथ साइड का मतलब दोनों साइड, एड टू एट द बोथ साइड, दोनों साइड तुम दो ऐड कर रहे हो। देखो x-2 ये लिखा है, x-2 लिखा है। अब इसमें आप अगर दो ऐड कर रहे हो तो इस साइड भी आप दो ऐड करोगे। चलो ये माइनस में प्लस में ये कट जाएंगे, क्या बचा यक्स, और ये दोनों आपस में 7, 2, 9 जुड़ गए, ये यक्स की क्या आ गई, वैल्यू। तो हमारा मेन टारगेट क्या था, एक्स की जो वैल्यू उसी को लाना, तो एक्स की वैल्यू 9 आ गई। एक्स के साथ और कुछ बचा, जब ये अकेला फ्री हो गया तो इसका जो आंसर आएगा वही इसका क्या होगा, आंसर। ठीक, चलो अभी अगला देखते हैं। अगले में लिखा y+3=10, इसका मतलब क्या है, बीच में क्या है प्लस, तो क्या करोगे, माइनस, बनी बात है, अगर बीच में प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इनटू है तो भाग, भाग है तो इनटू, तो प्लस में है तो क्या करोगे, सबट्रैक्ट 3 एट द बोथ साइड, दोनों साइड क्या माइनस करोगे, 3 माइनस करोगे। चलो करो, ये क्या लिखा है, y+3 - 3 = 10 - 3, करोगे y+3 लिखा है, हम 3 माइनस करेंगे तो मैं करके बता देता हूं। इधर लिखा है y+3=10 दे रखा है, यही तुम्हारा दे रखा है, दोनों साइड 3 माइनस करोगे, तो अगर 3 माइनस करोगे तो 3 यहां भी माइनस करोगे और 3
यहां भी माइनस करो क्योंकि दोनों साइड माइनस करोगे तो तीन से तीन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये क्या बचेगा, वाई अकेला बचेगा। हमारा काम क्या है, वाई को अकेला छोड़ना, अकेला हो गया। दस में तीन गए सात, तो ये वाई की वैल्यू कितनी आ गई, सात। ये देखो वाई की वैल्यू सात आ गई, वाई प्लस थ्री माइनस थ्री, तो थ्री से थ्री कट गया, वाई की वैल्यू सात आ गई तुम्हारी, ठीक। चलो अब तुम यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये रैशनल नंबर वाले हैं, ये दोनों रैशनल नंबर है क्या, ये रैशनल नंबर है क्या, है, ये रैशनल नंबर है। तो चलो अब इधर देखो किस में दे रखा है, ये प्लस में, नंबर को देखना, नंबर किस में है, प्लस में है, प्लस में है तो क्या करोगे, माइनस, गुड। दोनों क्या करोगे, माइनस। तो देखो दोनों साइड क्या सब्ट्रैक्ट माइनस करोगे, इसको अकेला छोड़ना, हमारा टारगेट क्या है, इसको अकेला छोड़ना, इसको छोड़ के जो है सब माइनस कर दो, तीन थ्री बाई सेवन है, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट थ्री बाई सेवन एट द बोथ साइड, एट द बोथ साइड, दोनों साइड थ्री बाई सेवन माइनस कर दोगे, चलो करो, थ्री बाई सेवन प्लस ये वाला एक्स माइनस थ्री बाई सेवन जो तुमने माइनस किया इज इक्वल टू, इस साइड भी माइनस करोगे, सेवनटीन बाई सेवन माइनस थ्री बाई सेवन, माइनस कर दिया। चलो अब इधर देखो, थ्री बाई सेवन से थ्री बाई सेवन कट गया, ये प्लस माइनस में, ये प्लस में, तो आपस में कट गए, एक्स अकेला बच गया। अब 17 बाई सेवन माइनस थ्री बाई सेवन, इसका माइनस करने के लिए अब क्या करोगे, मैंने बताया था अगर नीचे सेम हो, नीचे अगर सेम होता तो क्या होता है, ऊपर की संख्या आपस में घट जाती है क्योंकि माइनस है, अगर प्लस होता तो जुड़ जाती। नीचे सेम है तो नीचे का नीचे ऐसे ही लिख दोगे, 17 में 3 गए 14, तो अब 7 के टेबल पढ़ो, 14 से अधिक ना हो, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2। समझ गए, ठीक। अगर समझ गए तो जस्ट इसका अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ पे 6x इज इक्वल टू 12 दे रखा है, दे रखा है, इसका मतलब क्या है, बीच में एक चीज याद रखना, अगर जैसे लिखा है 5x, बीच में अगर कुछ नहीं होता तो क्या होता है, इनटू होता है, क्या, इनटू, अगर बीच में कुछ नहीं है तो इनटू होगा। जैसे लिखा यहाँ पे 8y लिखा है, इन दोनों के बीच में है क्या कुछ, नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनटू होगा। तो अब चलो इधर आ जाओ, देखो 6x बीच में कुछ नहीं है तो क्या होता है, इनटू, 6 इनटू x इज इक्वल टू 12 दे रखा है। अब किस में दे रखा है, ये इनटू में दे रखा है, बीच में इनटू है, अगर इनटू में है तो क्या करोगे, भाग करोगे, किसका भाग करोगे, x का, x को हटा दोगे, हाँ 6 का, हाँ। तो अपन डिवाइड बाई 6 एट द बोथ साइड, दोनों साइड किससे भाग कर दोगे, 6 से भाग कर दोगे, तो देखो 6 इनटू 6 डिवाइड बाई 6, जैसे दे रखा है 6 इनटू 6, 6 इंटू एक्स दे रखा है इज इक्वल टू 12, तो दोनों साइड 6 का अपन भाग करोगे, तो 6 से 6 कट जाएगा, ऐसे 6 दूनी 12, एक्स की कितनी वैल्यू आ गई, 2। सेम इधर देखो 6 इंटू 6 एक्स इज इक्वल टू 12 दे रखा था, हमने दोनों साइड 6 से भाग किया, 6 से 6 कट गया, 6 दूनी 12, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2। समझ गए, चलो अब अगला देखो, अगला क्या दे रखा है, t by 5 is equal to 10 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ये किस में दे रखा है, डिवाइड में दे रखा है, डिवाइड में। तो देखो t by 5 is equal to 10 इतना दे रखा है, अब डिवाइड में दे रखा है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाइड करोगे, बनी बात है, प्रोडक्ट करोगे, तो जब प्रोडक्ट बाय 5, क्योंकि नीचे क्या है, हमको t को अकेला छोड़ने के लिए जो नीचे उसके उससे गुणा कर दोगे, जैसे देखो इधर t by 5 is equal to 10 दे रखा है, तो जब दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाइड कर दोगे तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाइड होगा, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाइड होगा, होगा। अब देखो 5 से 5 कट जाएगा, 5 ऊपर है 5 नीचे, ऊपर नीचे जो होता कट जाता, 5 से 5 कट गया, क्या बचा, t अकेला बच गया, t is equal to 10 5 जा 50 आ गया। तो देखो इधर t is equal to 50 आ गया, यहां पे t by 5 into 5 is equal to 10 into 5, 5 से 5 कट गया, t की वैल्यू आ गई 50। समझ गए, चलो अब जस्ट इसी का नौवां देखो, ये तुम्हारे मैंने इसके बाद कराया नहीं क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। 9 नंबर देखो, 7x minus 9 is equal to 16 दे रखा है, अब देखो बीच में क्या है, माइनस। सबसे पहले हम अगर दोनों चीज दे रखी, एक्स के साथ प्रोडक्ट भी दे रखा है, बीच में कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाइड होता है, और माइनस भी दे रखा है, तो क्या करोगे, अगर ये संख्या माइनस में है तो आप प्लस करोगे, ठीक, एड 9 एट द बोथ साइड, दोनों साइड क्या 9 ऐड कर दोगे, तो 7x माइनस 9 प्लस 9, तो दो इधर भी माइनस प्लस करोगे, 16 प्लस 9, 9 से 9 कट गया,
क्या बचा 7x बचा इज इक्वल टू 16 9 25। अब बीच में क्या है, कुछ है क्या, बीच में कुछ नहीं होता तो क्या होता है, इंटू होता है, बनी बात है। तो 7 x इज इक्वल टू 25। तो जब 7 का x में मल्टीप्लाइड होगा तो इधर मल्टीप्लाइड में है, तो अब देखो मल्टीप्लाइड को 7 को हटाने के लिए क्या करोगे, 7 का भाग करोगे। तो डिवाइड बाय 7 एट द बोथ साइड, दोनों साइड 7 से भाग कर दो, 7 x 7 इज इक्वल टू 25/7। 7 से 7 कट गया, क्या बचा x, 25/7, ये तुम्हारा क्या आ गया आंसर। समझ गए ठीक। अब यहां से तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब अपन न्यू एक्सरसाइज तुम्हारे लिए मैं कल लेके आऊंगा। तो इस एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चन है, 12 के 12 क्वेश्चन तुम अपने रफ में कर लेना, उसके बाद फेयर में कर लेना। ओके चलो, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।